नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट के अंदर दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन और निडाजोल 500 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg होता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट में इन्फेक्शन होने पर और डायरिया यानी दस्त होने पर किया जाता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट पेट के इन्फेक्शन को खत्म करके डायरिया की समस्या को ठीक करती है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, बदहजमी और सिरदर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपको ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओफ्लोमैक ओजेड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।